उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा कैमरा मैन उठ गए हैं, मैं तो 6 बजे की उठी हुई थी, ये अब उठे हैं, देख ले प्लीज यात्री। आज मैं बोली भी नहीं हूँ, मैं कहा आज मैंने चुप हो जाना, ये धीट है, मैं इसलिए चुप। मैं अकेले सारा कुछ बनाया है, सुबह उठ के साग काटा है, दूसरा साग बनाया और सुबह सुबह साग आज पे बना रही हूँ। आज सर्दियों सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, आग का अपना ही मजा है और अपने आप को सर्दी से बचाना भी है, इसलिए मैंने ये टोपा भी कर लिया है। अम्मी कभी जुबे पड़ गई हैं, ये मैंने सर्दी से बचने के लिए टोपा भी कर लिया है और ये साग भी बना रही हूँ एक। और ये तो साग सब बहुत खाते होंगे, आज एक नया साग नई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए घर ही हूँ, आज जुम्मा मुबारक है, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मा मुबारक है, आज मैं घर में ही हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबको फिर से सलाम कहती हूँ, अगर कोई सोए पड़े हैं तो उठ जाए, जो सोता है वो सुबह का टाइम खोता है, सुबह सुबह का टाइम वो वाला खोता नहीं, दूसरा खोता, सुबह सुबह के टाइम जल्दी उठना चाहिए। आपका बेटा भी अभी तक सो रहा है। हाँ तो वो है भी खोता है, तेरे अबू क्या कहते हैं, खोते ना पुत्रा, खोते आ उठ जा, खोते आ खा ले, ये खोता बड़ा मशहूर है, देख ले। तो इसलिए जो सोता है वो खोता है तो आप लोग जल्दी उठ जाए, मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। जो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम, हमेशा खुश रहें, अपनों के साथ रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, नहीं खैर के नेक्स्ट। आज लोग आप लोगों के साथ मैंने आज मज़े वाला साग शेयर करना है, ये तो सभी बनाते हैं घोटे वाला, तो एक अजीब साग देखे कलर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए कलर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अभी ग्रीन है ना, अभी तो मैंने अभी रखा, अभी चढ़ाया, अभी इसे 5-10 मिनट हुए, अभी नीचे होगा तब इसे। ये सर्दियों की सौगात है, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ, इसलिए बनाती रहती है, जो भी कोई मांगे मैं सबको दे भी देती हूँ। आप लोगों को पता नहीं साग पसंद है कि नहीं, मैं तो बहुत बनाती हूँ, बहुत खाती हूँ, जहाँ से मिल जाए मैं ले लेती हूँ, बना लेती हूँ, देखती भी नहीं, देखिए मेरे हाथ कितने ख़राब हो गए साग बना बना के, तो ना खा, खुद ही बनाया तो ना खाया करें, छोड़ दें खाना। ये सर्दियों में सिर्फ 2-3 महीने मिलता, फिर नहीं मिलता, दूसरी सब्जी तो पूरे 12 महीने आप लोगों को मिल जाएगी, देखने में भी खाने में भी, साग नहीं मिलता, साग आप फ्रीज करें गर्मी में मज़ा नहीं आता, तो ऐसे फ्रेश ही खाने का मज़ा है, साग का अपना ही मज़ा। साग मकई की रोटी हो, इस दफ़ा मेरे पास अभी मकई का आटा नहीं आया, किसी के पास है हमारे तरफ भेज दे, तो अब मैं मकई का आटा मंगाऊंगी, उसके साथ खाऊंगी, फिर मज़े 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 आएंगे, इसके साग का फिर मज़ा आता। तो आप लोगों के साथ सारी सारी रेसिपी शेयर करूंगी मैं, ठीक है, ठीक है ना, आप मेरा वेट करें। मरियम ने सुबह उठ के कपड़े धोए, इतनी ठंड में ऊपर गई है, इसके हाथ रक्त पीले हो गए, तो ये मुंह भी फुलाई बैठी है, इसका नोज़ ठंडा हुआ पड़ा है, इसको मैंने चाय बना के दिए, चावल दिए, अब इसे धुआं निकल रहा है, और ये रोटी खा चुकी है, अंडा बचाना नहीं है, खा प्लेट साफ कर लिए, और ये आज का नाश्ता सवेरा ने सारा बनाया, मैं नाश्ता बनाया मैंने हाथ ही नहीं लिया, और मज़े का नाश्ता बनाया, और ये खड़ी है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कैमरा मैन, अच्छा नहीं मेरी वो फोटोशूट करने वाले नहीं, क्या कैमरा मैन, कैमरा मैन ये खड़ी जो है, ये खुल ये जोर से ऊंची आवाज में खाना बिल्कुल प्लेट में नहीं बचाना चाहिए, रिजल्ट में कमी आती है, बरकत होती है सारा खाने से।
नाश्ता बना के बैठ गई है। अब भांडे शांडे मैंने पूजने हैं और काम वाले ने आके अब धोने हैं, खिलाए डाल के वो अब बैठ गए, उसका काम हो गया खत्म, मेरा हो गया स्टार्ट। तो अब मैं उसको दिखाती चलती हूँ, ऐसे देखने वाले तो बहुत समझदार है सबको, ये छोटे मोटे काम तो घर के आते ही हैं। साढ़े ग्यारह हो गए, तो ये बिल्ली का पूरी इसका वॉशरूम करती साफ कर रहा थी, वरना इसको ठंड लग जाएगी। चला आज शुक्र है धुंध नहीं है, मौसम साफ है। गाँव वाली का वेट करेंगे तो बेचारी को ठंड लग जाएगी। आज इतनी क्लोज रखा है मेरा तो मुंह भी सही नहीं, सारे ये शक्ल देख के भाग जाएंगे, फिर देखेगा भी कोई नहीं। ये आज धुंध नहीं, मौसम बिल्कुल साफ है, इतनी ठंड भी नहीं। ये देखो कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, वो तो कौन सा? वो जो पीछे बड़े वाला। पहले किसी ने कमेंट्स किया बुरी बात है, जब आपने फूल तोड़ लिया। ये अपने ही है, हम किसी के नहीं तोड़े। ये अब रेट चेंज करेंगे, बहुत ठंडी होनी पड़ी है, ये भी इतनी सी बहुत है। चला रहा आपने फूल तोड़ ली, ये वाह कितने मजा का, खुशबू भी आ रही है असली वाला। ये जो एक होते हैं दूसरे नहीं, ये देसी है, किसी के फूल नहीं है, ये अपने हैं। ये देख नहीं रहे हमारी अपनी खुद की गली, हमारा घर वो हम साथ वाले घर के लगाए हुए, अपने फूल साथ वाले घर में लगाए हुए। हमारे गार्डन में जगह नहीं है। ये कितना कितना बड़ा हो गया ना, ये क्या अमरूद है? ये तो मुझसे ही बड़ा हुआ है, मैंने इसको बिल्कुल इतना सा लगाया था, इतना सा। ये जामुन लगे हुए हैं और ये मैंने खुद अमरूद लगा दिए, पौधे सारे मेरे हाथ के लगे हुए और ये खुद कटिंग काटी, पहले बहुत घने थे। ये क्या है? लहसुन। ये लहसुन लगाया हुआ छोटा छोटा, ये एलोवेरा है, ये मैंगो है जिसे हम आम कहते हैं, इसे तो बड़ा होने में बहुत टाइम लगना। और ये क्या हो गया, वो एलोवेरा आगे से आगे, ये तो कुछ ऊपर लगा, ये गंदा में क्या है मुझे भी नहीं पता, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता है क्या है? एलोवेरा से निकला कुछ, ये बाहर हमने लगाया हुआ है, ये फूल हमने उधर लगाए हुए, करने में बैठ गई है। उसकी रेत गिल्ली थी ना, तो मैंने कहा उसको ठंड न लग गई, वो उधर ही करने लग गई। और अब आज जुम्मा है तो कोई भी मिस्त्री नहीं है, सब सर्दियों में हमारी गली खाली पड़ी है, सब अंदर बैठे हैं, सिर्फ हम अकेले आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कहा देख लो, आज मैं घर में ही, आज आप लोगों को आंटी देखने में बार बार मिलेंगी। वाली भी आ गई, जब मैंने ये बिल्ली की रेत भी चेंज कर ली, अब वो आ रही, वो देख वो अब आ गई। अब उससे मैं पूछती हर रोज 12 बजे आती हूँ मैं। ये मैं अपनी बेटी मरीम को देती हूँ, थैंक यू, अल्लाह ताला इसकी किस्मत इस फूलों की तरह बनाए, अल्लाह पाक सब बच्चियों की अच्छी अच्छी किस्मत बनाए मेरी, हर दम हर बच्चियों के लिए बच्चों के लिए यही दुआ है, अल्लाह ताला सबको कामयाबियां दे। अच्छा तो गाइस आप लोगों ने टीवी लॉन को क्या बनाया, हमने तो टीवी लॉन को कमरा बनाया हुआ, हम इधर बिस्तर डाल के बैठे रहते, ज़्यादातर गर्मियों में भी सर्दियों में भी बस रात को ही अंदर जाते हैं। रात को मुझे अंदर बिस्तर में इतनी ठंड लगी थी, कंबल में मेरे पाँव भी गर्म नहीं हुए, तो इतनी देर मुझे ठंड लगती रहती है कि सुबह में जब नींद आई तो सुबह होगी मैं उठ गई थी। तो आज जुम्मे का दिन है, तो मैं अक्सर तारे जमीन की ये बयान सुनती रहती हूँ, मैं तारे जमीन का बयान जब घर में होती जब मेरे पास फोन अच्छी आता है तो फिर मैं कभी कभी सुनती हूँ, तो आप लोग भी सुनते ही होंगे वैसे, जब भी इनका बयान सुनते किसी भी मौलवी का तो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, यकीन करो मैं तो ऐसे ख्वाबो ख्याल में पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हूँ। पहली छुट्टी इनकी है आज,
आज पहली छुट्टी गुजर गई है कि गुजरने वाली है, पहले पहले है समझो। तो आप लोगों की तरफ छुट्टियां हो गई हैं कि नहीं, क्योंकि सर्दियां एक हफ्ता 10 छुट्टियां होती हैं, तो सर्दी तो अब पड़नी शुरू हुई है। सबसे पहले सब कह रहे थे सर्दी आई नहीं है, आई नहीं है। जब सर्दी आई तो सबकी सी निकल गई है। तो बस कुछ दिन ही सर्दी पड़नी है, वैसे पार बहुत ज़्यादा रही। कुछ लोग तो उधर सर्दी इंजॉय करने बर्फ वाले इलाके में गए हैं। हम भी जाएंगे, टेंशन ना लो। छुट्टियां होगी तो हिजाब को तो छुट्टियां भी नहीं होनी, इस बेचारे ने तो सर्दियों में भी जाना। इसकी ड्यूटी और मेरी ड्यूटी हर दम ऐसे ही है, ऐसे गुजरनी है। हमें तो छुट्टी होनी को नहीं। हमारा माँ का ऐसा शोभा जिसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कोई बात नहीं। माँ वैसे तो हर चीज़ की मालक है, घर में घर की मालक है, बच्चों की मालक है, और उसकी ज़िंदगी एक नौकरानी की तरह। सबसे सबसे लेट सो, सबसे जल्दी उठो, सारा दिन काम करो, और फिर बच्चों को काम कह दो तो फिर कहती माँ हमारी बेइज्जती करती है। ये रेडियोग्राफी का कोर्स करती है, जब मैं फर्स्ट टाइम के पेपर कर लिए हैं और इसका रिजल्ट भी आ चुका है, पास हुई है माशाल्लाह से। और अगले इसके 2 साल में पेपर हुए हैं, ये ऐसे के बाद होता था ये जो कोर्स कर रही है। और थोड़ा पीछे रख ले, 2 साल इसके हो चुके हैं तो इसका आखिरी साल है, थोड़ा कैमरा पीछे कर ले। सबको क्यों डराएगी भगाएगी, नहीं डरते कोई नहीं, थोड़ा पीछे कर। हमारा इतना अच्छा कोई नहीं, मुँह मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और ऐसे ओरिजिनल है। तो आप लोग, मैं आप लोगों की बेइज्जती नहीं करती, मेरे बच्चे मुझसे मुंह बना लेते हैं। ये माँ का प्यार होता है, माँ अगर समझाए ना आप लोगों को, बच्चों को, तो किसको समझाए। तो आप लोगों को अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो माजरा, दिल से माजरा चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया तो माजरा चाहती हूँ। आप लोगों को हमारे विलाप कैसे लगते हैं, आप लोगों के लिए हम कभी ये बीच में कोई ऐसी फनी सी बातें कर जाती हूँ, तो ऐसे भी आप लोगों को हमारे विलाप कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।